जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद जवाद। राजनीतिक विश्लेषक हैं, युवा हैं, सोचने समझने वाले हैं, भारत को अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अमित श्रीवास्तव जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, चुनाव की विश्लेषणा और कैसे चुनाव शेप लेते हैं वो काम करते हैं वो जानते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और अंकित जी एनजीओ चलाते हैं, समाज सेवा से जुड़े हैं। मैंने भूमिका बांध दी है, मेरे पास कहने के लिए अब कुछ नहीं। भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन से क्या कहा वो मैंने कोट कर दिया। अब डिबेट का आगाज करते हैं, पहले समाजवादी पार्टी से पूछते हैं। INDIA का गठन इसलिए किया क्योंकि सनातनियों को परास्त करना या सनातनियों को ये गाली देनी है, क्या इसलिए किया गया है? तो बताइए भगवान, आप बताइए। देखिए अगर एक कोई बयान DMK से दे रहा है, पहले एक नहीं आए हैं, दो तीन बयान मैं मान रहा हूँ, एक नहीं है, लगातार चार बयान है, लगातार बयान आ रहे हैं। सनातन धर्म को कोई भी बयान छोटा नहीं कर सकता, उसकी मर्यादा नीचे नहीं कर सकता है। अगर ये सनातन धर्म की मर्यादा नीचे कर रहा है और इंडिया टीम को पूरे को ये लपेट रहे हैं, तो फिर ये भी बता दें कि संजय निषाद का बयान क्या था कि खीर खाने से कोई पैदा होता है, भगवान राम दशरथ के पुत्र नहीं है, उसी में मंत्री बने हुए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। अगर सनातन में ये विभेद है तो बताइए क्या ये सनातन है? क्या योगी जी ये कहेंगे कि हनुमान जी की जो जाति है वो दलित समाज से है? क्या टेस्ट ट्यूब बेबी बताने वाले कौन हैं? इनके उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। अगर ये ठीक है, प्रश्न ये आया कि भारतीय दर्शन है क्या, क्योंकि दर्शन हमारे यहां अलग नहीं है। जीवन की जो पद्धति है, जीवन की जो जीने की कला है, बाबूजी जीवन की जो जीने की, कैसा अच्छा जीवन जिए, यही दर्शन है। भारतीय दर्शन के तो मूल रूप यही है कि जीवन, नचिकेता क्या पूछता है कि मृत्यु के बाद क्या, परे क्या है, जीवन कैसे जिए, यही तो है कठोपनिषद में सवाल। छह दर्शन है मूलतः, उसमें एक और भी है जिसे कहता है कि ईश्वर नहीं है, वो भी है, हमने उसको भी पूछा। तो आपसे जब मैं प्रश्न करूं तो आप मुझे यह बताएंगे कि उन्होंने क्यों कहा, निषाद ने क्यों कहा? अरे आप तो निषाद राज को भी नहीं, आप तो रामचरित मानस के हैं, उसमें निषाद राज ने राम से क्या कहा वो तो नहीं बताया आपने, आप भी बताएंगे। ये देखिए प्रश्न उठाने, काला जादू ना करिए, प्रश्न उठाने वाले ये हैं। हम तो सनातन धर्म को ये कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। और सनातन धर्म ये है कि पर है सरत धर्म निभाई, पर पीड़ा समनी अदमाई। सनातन धर्म ये है कि समनर करे परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरत सुत नीति। ये सनातन धर्म है जी जनाब। हाँ जी, हाँ मैं कह रहा हूँ अखिलेश को भी आती है भाषा जो बोल रहे साहब। नहीं, अखिलेश जी को तो आती है, अखिलेश जी को तो आती है। आप उनके लायक नहीं हो, आप उस पार्टी के लायक नहीं हो। करे रामचरित मानस, आप कोट करते हैं, आपके यहाँ रामचरित मानस के पन्ने को पता नहीं कहते क्या, जला दो, मैं तो मेरे मुंह से नहीं निकलता, मेरे मुंह से नहीं निकलता ये शब्द। अखिलेश जी को तो मालूम है, लेकिन सवाल यह कि अखिलेश जी की पार्टी के जो महासचिव है उनको मालूम है या नहीं मालूम है, ये मुझे पूछना है। जी वेरी क्विक सर, ये गठबंधन जब से बना था एक विजन स्पष्ट था कि मोदी को हराना है, और तीन बैठकों के बाद दूसरा विजन इनका सामने आता है कि ये गठबंधन इसलिए बना है क्योंकि देश के 75% सनातनियों को खत्म कर देना है। अगर कोई गठबंधन इस देश के 75% लोगों को खत्म करने की बात करता है तो यह राजनीतिक विषय नहीं है, यह सामाजिक विषय है, और यह खत्म कर रहे हैं। मैं एक उदाहरण मद्रास हाई कोर्ट में जो आया मामला उसके समक्ष रखता हूं, आप लोगों के समक्ष वो मामला। तमिलनाडु के 80,000 मंदिरों में पुजारियों की व्यवस्था को छीन लिया गया, 4,00,000 सोना जो मंदिरों में था उसको भी निकाल लिया गया। मैं पूछना चाहता हूं सर, इसको राजनीति में डालकर, ये भाजपा वाले ने बोला, ये निषाद पार्टी ने बोला, आपकी मंशा क्या है पहले दिन से बता दीजिए। सवाल यह है कि इन्होंने कहा कि सनातनियों को छीन करने की, सनातनियों को कमजोर करने की, सनातनियों से मामला कमजोर करने का या पूरी तरह से कमजोर करने का। आभीर हूण शक पहलव पल्ला लगातार आ रहे थे, मैं तो इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं, मैं इस पे बाद में रोशनी डालूंगा, लेकिन जब बात साहब डिबेट पर इश्यू है मैं उसी पे आ रहा हूं। जी देखिए, उदयनिधि स्टालिन का जो बयान है
मैं उससे बिल्कुल भी इत्तफाक नहीं रखता, क्योंकि हमारे भारत की संस्कृति जो है सबका सम्मान करने की है और सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, और देश संविधान के रास्ते पर लौटेगा तभी देश तरक्की के ऊपर चलेगा, नंबर एक बात। दूसरी बात कहता हूं, आज उदयनिधि स्टालिन के उस अल्फाज से तो बड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन वही पेरियार की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने वाले उनके बाप दादा और परदादा उनके पोते के साथ क्या भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन रहा या नहीं रहा, यह भी सवाल पूछना चाहिए आज लोगों के बीच जाकर के। क्यों उस वक्त और पेरियार की उस आइडियोलॉजी को माननीय प्रधानमंत्री जी बड़ा सपोर्ट करते हैं, सुन लीजिए, रुक जाइए, मैं पेरियार की उस आइडियोलॉजी को माननीय प्रधानमंत्री जी सपोर्ट करते हैं, और उससे पहले उनका गठबंधन रहा हुआ है, तो उस पे तो पेरियार क्या समाज सेवी या समाज सुधारक या समाज के एक चिंतक या एक विचारधारा को लेकर चलने वाले व्यक्ति के रूप में तो बात अलग है, लेकिन पूर्णता आप मेजोरिटी के बारे में कहेंगे, भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन उससे पहले उनका रहा या नहीं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन भले ही डीएमके के साथ रहा हो, लेकिन पेरियार के बयानों से और सनातन विरोधी बयानों से कभी भारतीय जनता पार्टी सहमत नहीं रही है और हमेशा उसका खंडन करती रही है, ये समझना चाहिए। एक मिनट बात पूरी होने दीजिए। और अभी हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र कह रहे थे कि सनातन का मतलब होता है कि सबनर करही परस्पर रीति। आप रामचरितमानस का उदाहरण देते हैं और आपका एक महामंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस को फूकने की बात करता है और अगले दिन अखिलेश यादव उसको महामंत्री बनाते हैं, तो ये समाजवादी पार्टी का दोगलापन है, इसको कहना चाहिए। देखिए, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, बीजेपी की प्रवक्ता, क्या आप सनातन का मतलब जानते हैं? और अगर सनातन का मतलब ये जानते हो तो बता दें। अरे आप सनातन पे क्या, मैंने तो बता दिया सनातन, मैंने नहीं आप सनातन पे हो गया। सनातन का मतलब है सत्य से, सत और तत् से बना है, सनातन सत्य, और सत्य से इनका कोई लेना नहीं। झूठ बोलने वाले लोग जो तमाम घोषणाएं कर देते हैं जनता के लिए, लेकिन कोई घोषणा पूरी नहीं होती है, ये सनातनी हो कैसे सकते हैं? ये बताइए, ये सनातन की व्याख्या कर रहे हैं, ये बताएं, रामचरितमानस को जलाने से और बाबा तुलसीदास को गाली देने से सनातन मजबूत होता है क्या? और अखिलेश यादव के मुंह में ताला लगा रहता है, एक बार भी इसकी निंदा नहीं करते हैं। अगर मैं नरेश अग्रवाल का एक मिनट मैं आ गया बाबूजी। आचार्य विपरीत भाषा दी है, वो किस प्रमाण से बोल रहे हैं? अपनी मर्जी से सब कुछ बोलते जाते ही है, हमारे जीवनों को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। प्रमाण बताए वो क्या बोल रहे हैं, कहां से बोल रहा है, आपने कुछ नहीं पता इसको। और मैं दो शब्द बोलता हूँ, अगर ठीक ढंग से सुने तो, निर्भ्रांत ज्ञान युक्त जगत के व्यवहार को जानने वाला, इन लोगों को जगत के व्यवहार को जानना पक्का आना चाहिए, इन व्यक्तियों को जो इधर सामने बैठे हैं, और उस आधार पे, प्रमाणों के आधार पे इन्होंने बोलना चाहिए। जो इनको ना कोई प्रमाण होता है, सब अपनी मर्जी की परिभाषा करते हैं। वेद शास्त्र लाइन हमने बिल्कुल, आप ही को इंतजार कर रहा था मैं। हाँ बिल्कुल, मैं आ रहा। अरे रुकिए, सनातन का मतलब यह है कि डिसिप्लिन, पहले डिसिप्लिन हो जाइए, शांत होइए, पानी पीजिए, चाय पीजिए, और उसके बाद खड़ा होना सीखिए, फिर सनातन में बोलिएगा। क्योंकि हर आदमी, मुझे भी मालूम आपको भी बोलना होगा सनातन पे, हर आदमी सनातन पे बोलना चाहता है, सबको बोलने का अधिकार भी है, और यही उसकी सबसे बड़ी खूबी है कि आपको बोलने की आजादी है, बोलने की आजादी है इसमें। और कोई एक एक स्पेसिफिक कोई ग्रंथ नहीं है जहां से आप कोई टीप कर लाएं और उसको बोल दें। आपसे मैं पूछ रहा था, मैं आपसे बात करूंगा जी। प्रमाण की बात कर रहे थे चाचा, मैं प्रमाण दे रहा हूं। श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय के 42वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सर्व धर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, जो भैया आपने पहले कोट करा था सनातन के बारे में। दूसरी बात, अमित मैं बहुत सम्मान करता हूं, अच्छा बोलते हो, लेकिन जब 75% कहते हो ना, जब ही आप सनातन को नहीं जानते। सनातन 100% की बात करता है, 75% 25, अरे बांटो मत, बाद में दे लेना, बिल्कुल दे लेना। और दूसरी बात, मानस के अंदर बाबा तुलसी ने लिखा था, जब भरत के जन्म के बाद उनका नामकरण हो रहा था, कि विश्व भरण पोषण कर जोई तासो नाम भरत असोई। विश्व भरण की बात हो रही थी, किसी एक व्यक्ति जा, जब वो विश्व गुरु बनने की बात होती तो आप तो टांग खींचने लगते हो। हमने जाति धर्म और उन्माद के नाम पर अपने दो दो ओजस्वी प्रधानमंत्री खोए हैं। मैं उस पार्टी से बिलोंग करता हूँ, दो ओजस्वी प्रधानमंत्री कांग्रेस, इसी कारण से हमने खोए हैं। मैं नहीं चाहता देश में जो आप उन्माद फैला रहे हो,
जब एक केंद्रीय मंत्री आकर के यह कहता है कि किसी की जुबान खींच लूंगा, किसी की आंखें निकाल लूंगा, तो आप संविधान का सम्मान नहीं करते। कहीं ना कहीं से जिस संविधान की शपथ लेके आप बैठे हो उसका अपमान। और अंतिम बात, नरेश अग्रवाल भिस्की में विष्णु बसे रम में बसते राम कहने वाले भारतीय जनता पार्टी के चहेते हैं और इनको बिठा रखा है कहां? जरा पूछ लो, ये सनातनी हमसे बात करेंगे। राइट राइट राइट, मैं आया, मैं सारे तर्काने दीजिए, बिल्कुल ठीक जी। हाँ जी, सनातन का अर्थ है शाश्वत, जिसको हिंदी में कहते हैं लगातार, इंग्लिश में कहते हैं कंटिन्यू, जो कभी खत्म ना होए उसे कहते हैं सनातन। सनातन का अर्थ है जो कभी ना मिटे, कभी ना खत्म हो, लगातार, और जिसका आज तक ये पता नहीं है ये कहां से शुरू हुआ था। और नाम तय, जैसे गिनती, गिनती हम एक से करते हैं, एक से नीचे भी होता है और गिनती का अंत भी नहीं है। क्या काम करते हैं साहब आप? मैं वकील हूं। जैसे तर्क, कोई पता नहीं होता कहां से आएगा और कितनी दूर तक जाएगा, जैसे तर्क। मैं आप थोड़ा देर से आए वकील साहब, लेकिन आप बिल्कुल सही बोले, बिल्कुल सही बोले जी, बिल्कुल जी। जनाब कहां से आए? मैं जम्मू कश्मीर से, जगदीश राणा डिस्ट्रिक्ट। जगदीश राणा जी, मैं समझ गया था आप जम्मू से होंगे। आपका पहले बहुत बहुत स्वागत भैया जी कहीं में, और 16 हुआ अभी तो टाइम है जी। जी जी जी, ऐसा है जो सनातन पे बात चली है ना, ये आज से थोड़ा तृतीया युग द्वापर युग से सनातन को मिटाने के लिए रावण जैसे राक्षस पैदा हुए द्वापर में, श्री कृष्ण पे कंस जैसे हुए, तो इस युग में भी बीच में थोड़े थोड़े राक्षस हैं जो बुरा नहीं मानना, बुरा नहीं मानना, मैं राक्षस नहीं बनाता हूँ, मैं राक्षस की नीति अपना रहे हैं। इनकी इनकी परिभाषा से मैं सहमत हूँ बिल्कुल नहीं, लेकिन इनकी अंतिम पंक्ति से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। ये जो विनम्रता है और जो जो सहज संकोच है कि मैं माफ करना, मैं किसी को राक्षस नहीं कह रहा हूँ लेकिन राक्षस नीति कह रहा हूँ, यही है सनातन। तो हम सवाल उठाया उन्होंने कि आपने कैसे कहा कि मैं आंख फोड़ दूंगा, जबान काट लूंगा, ये आपने कैसे कहा? अगर आप सनातनी हैं तो सब्र होना चाहिए आप में, अगर आप सनातनी हैं तो विनम्र होना चाहिए आपको, फिर क्यों? एक मिनट, जस्ट अ मिनट प्रतीक जी, ये बड़ी विडंबना है कि आधा अधूरा ज्ञान ना बड़ा हानिकारक होता है, जो ना असुस्थमा मारा गया उसके बाद जो संघ बजाते रहे वही प्रवृत्ति, जो है गीता का बड़ा रेफरेंस देते हैं जो है, लेकिन गीता में की बात ये नहीं करते। अगर कोई अधर्मता करता है तो उसके लिए कहना हमें क्या करना चाहिए जो है। मैं व्यास जी का एक श्लोक पढ़ दूं, अष्टादश पुराणेश व्यासस वचन द्वयम्, अष्टादश पुराणेश व्यासस वचन द्वयम्, परोपकाराय पापाय, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। तो मतलब इनको ये समझना चाहिए, मैं ये कहता हूं कि यहां पर जो है दूसरे धर्म की व्याख्या करने की आपको क्या आवश्यकता पड़ गई। आप अपनी प्रशंसा करिए, आप ये कह रहे हैं कि सनातन कुष्ठ की तरह है, उसको मिटा देना चाहिए, जो इतनी बड़ी संख्या में देश में उसको मानने वाले हैं, आप दूसरे की परिधि में घुसकर उनकी आस्था पर प्रहार कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं कभी नहीं किया, मैंने अपनी डिबेट में कभी नहीं किया, बीजेपी को मैं मौका दूंगा, मैंने अपनी डिबेट में कभी नहीं किया। आज मैं डिबेट में पूछना चाहता हूँ, सारे लोगों को खड़ा करना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ, क्या सनातन धर्म जो है प्रभात जी कुष्ठ है, मलेरिया है, हाँ या ना? बोलने दीजिएगा। नहीं, बोलने नहीं दूंगा आज। मैंने डिबेट में कभी नहीं किया, मैंने डिबेट में यस और नो में जवाब नहीं लिया, कभी नहीं लिया, लेकिन मैं आज आपसे पूछ, नहीं नहीं, ये सवाल है, मैं आप हाजी, ये जनता का अपमान कर रहे हैं जो बात कर रहे हैं ना, वो जनता का अपमान कर रहे हैं, जो देश की गति बढ़ रही है उसका अपमान कर रहे हैं, ऐसे ही देश का डंका बजेगा, तिरंगे की आन बान शान बढ़ रही है, जरूर आप नया बात बताएं। और सनातन का मतलब ये भी होता है राणा साहब, नए विचार, जब जैसे मिसाल के तौर पे विवेकानंद जी ने कहा कि हमको खेल के मैदान की जरूरत है, ये इतना अदम्य साहस होना चाहिए, ईश्वर नहीं मंदिर नहीं कहते हैं,
उस संत कहता है कि मुझे खेल का मैदान फुटबॉल खेलते हुए दिखना चाहिए, जाओ पहले फुटबॉल खेलो। ये अदम्य साहस होना चाहिए, ये सनातन है, ये इतना अदम्य साहस।